हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। हम अपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो कैसे कंपोजिशन थी उसकी, कैसे उसको बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से काम किया आगे। तो उनका पहला प्रिंसिपल क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ डिलीबरेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि डिबेट्स करना। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिस भी विषय पर उनको आगे काम करना होता था उसके ऊपर लॉन्ग डिबेट्स की जाती थी, उसके ऊपर चर्चाएँ की जाती थी, ताकि एक ऐसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। क्योंकि आपने देखा कि हर सेक्शन से लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे, हर कास्ट से थे और हर रिलीजन से थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सब अपने अपने रिलीजन और अपनी अपनी कास्ट के बारे में सोचते रहें और उसके बारे में कानून बनवाने में लग जाएं, ऐसा नहीं था। मेन ऑब्जेक्टिव था पब्लिक इंटरेस्ट, इस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर सके और पूरे देश का विकास हो सके। तो इसके लिए सब लोग जो है बनाते थे, जो भी इश्यूज़ होते थे उसके ऊपर लंबी लंबी डिटेल्स डिबेट्स की जाती थी। अब वो किस तरीके से की जाती थी उसके बारे में इसे बताया गया है कि कैसे जो है नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जा सके। तो डिबेट्स होती थी किन किन बातों पे होती थी, जैसे कि रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो उसका मेन मकसद था कि सरकार किस तरह से फॉर्म की जाएगी देश में, तो वो सरकार कैसे बनेगी। उस समय जो जो चीज़ ऑप्शन अवेलेबल थे, जो जो दुनिया में हो रहा था, तो क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था या और किसी भी तरह की गवर्नमेंट भी थी, तो हम कौन सी गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे, हम स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशंस को कैसे रखेंगे, जुडिशरी को कैसे फ्री रखेंगे या जुडिशरी अपना काम कैसे करेगी, लोगों को फंडामेंटल राइट्स कैसे मिलेंगे। तो इन सब बातों के ऊपर बहुत लंबे लंबे डिस्कशन चलते थे। लेकिन इन सब बातों के होने के बावजूद भी एक चीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज़ादी से बहुत पहले ये बात पहले से ही डिसाइड कर दी गई थी कि जो वोटिंग राइट दिया जाएगा वो यूनिवर्सल सफ्रेज के बेस पे होगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक सर्टेन एज को जो भी सिटीज़न पालेगा उसके बाद वो उसको वोटिंग राइट मिल जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो या किसी भी जेंडर से हो, सबको वोटिंग राइट मिलेगा। तो ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और आज़ादी से पहले ही और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों ने पहले ही सोच लिया था, तो इसके ऊपर डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इस चीज़ को ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें थी उसके ऊपर लॉन्ग डिबेट्स की गई थी और उसके बाद जो निष्कर्ष इस आधार पर निकाला गया था कि वो पूरे देश के हित में हो। तो इस तरह से द प्रिंसिपल ऑफ डिलीबरेशन को यूज़ किया गया था। इसके अलावा उसका प्रोसीजर कैसे था। अब ये डिबेट्स ऐसे तो था नहीं कि भाई चार आदमी बैठ गए और सब अपनी अपनी बातें करना शुरू हो गए और बिना मतलब की बहस हो रही हैं, ऐसे होके तो कभी भी वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते थे। तो उसके लिए एक प्रोसीजर को अपनाना ज़रूरी था। तो वो क्या प्रोसीजर अपनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि उसकी 8 मेजर कमेटीज़ बना दी। वो कमेटीज़ क्या करती थी कि अलग अलग इशूज़ के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करती थी। उनके वो हेड कौन हुआ करते थे, ज़्यादातर नेहरू, अम्बेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बेसिकली ये मेन लीडर थे जो इन 8 अलग अलग कमेटीज़ के लीडर होते थे। फिर ये लोग जो है अलग अलग इशूज़ पे जो है अपनी रिपोर्ट्स बनाते थे, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा जाता था, फिर उसके ऊपर डिबेट्स की जाती थी, लंबी डिबेट्स चलती थी, कई बार बहुत वैसी भी हो जाती थी, तेज़ी आ जाती थी, उनमें लड़ाई की भी नौबत आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उन लोगों का मेन मकसद ये था कि हमें जनता की भलाई करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में करना है, तो वो एक सही डिसीजन पे पहुंच पाते थे। हालांकि ये लोग आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े क्रिटिक भी थे, ऐसा नहीं था कि ये सब लोग आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक ने जो बात की वो दूसरे ने यूँ ही मान ली। जैसे कि जो अम्बेडकर थे वो गांधी और कांग्रेस के बहुत बड़े क्रिटिक थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने पर्सनल चॉइसेस को इस बात में रखते कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपनी पर्सनल चॉइस को रखना था, इस बात को कभी भी नहीं रखा जाता था। ऐसा नहीं था कि अगर हिंदू थे हिंदुओं के लिए कानून बनवा दें, मुस्लिम है तो मुस्लिमों के लिए कानून बनवा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर अम्बेडकर ने यह कहा कि एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर एक मसौदा तैयार करके बताना पड़ा कि क्यों मिलनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि बस पुअर सेक्शन है तो उनको दे दीजिए, उसके ऊपर भी एक लंबी डिबेट की गई थी, तब उस चीज़ को माना गया था। तो इस तरीके से एक बहुत डिसीजन के बाद जो है हर चीज़ को अपनाया गया था, जिसमें कि मेन गोल क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें
इसी बात को ध्यान में रखकर अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद, एक दूसरे का क्रिटिक होने के बावजूद भी इन लोगों ने साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसके अलावा ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हर किसी कमेटी को अलग अलग प्रोविज़न, जैसे किसी को बना कमेटी को दे दिया गया था कि आप फंडामेंटल राइट के बारे में बताइए, किसी कमेटी को बता दिया आप पार्लियामेंट के बारे में बताइए, स्टेट और सेंटर के बारे में बताइए, इस तरह से कमेटीज़ अपना अलग अलग काम जो है वो किया करती थी। तो इसके फिर बाद में डिबेट होती थी, इसलिए असेंबली ने क्या हुआ कि 166 डेज से लेकर ऑलमोस्ट 2 साल 11 महीने तक जो है ये पूरा डिबेट्स और ये सब कार्यक्रम चला, और तब जाके ये लोग एक डिसीजन पे पहुँचे कि हमें किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो और एक खास बात देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रही, वो ये रही कि जो भी डिबेट्स होती थी, जो भी बातचीत होती थी, जिस भी बात के बारे में डिसीजन लिया जाने वाला होता था, वो सब कुछ पब्लिक किया जाता था, वो प्रेस में रिलीज़ किया जाता था, जनता को सब पता रहता था कि हमारे लीडर्स क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में कानून बनाया जा रहा है। इससे क्या होता है, एक जनता का विश्वास बिल्ट होता है, उनको ये नहीं लग रहा होता कि कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पर वो पता नहीं क्या कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ बना देंगे और हमें वो मानना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता है, क्योंकि उसमें जो भी डिबेट हुई, जो भी बात हुई, जो भी कानून बनाया गया, वो जनता के सामने खुला था, जनता उसको अगले दिन पढ़ती थी और उसके बारे में जान पाती थी। तो ये सब प्रोसीजर रहा कि किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है एक प्रॉपर और अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो सफल हो पाई। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।